राधे राधे, ये रथ यात्रा जो आप निकाल रहे हैं कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, बताइएगा पंडित जी। दादा आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, हमारा नाम जानकी वल्लभ दास है और हम इस्कॉन वृंदावन से आए हैं। और 2011 से जैसे गुरदासपुर में रथ यात्रा हो रही है और इस बार भी बहुत धूमधाम से ये रथ यात्रा कृष्ण मंदिर से शुरू होके शहर के अलग अलग चौक में, जैसे हनुमान चौक से, जहाज चौक से और टीबीडी रोड से घूमती हुई फिर से दोबारा रथ यात्रा जो निकाल रही है, कितने बजे निकलेगी, कहाँ तक जाएगी ये रथ यात्रा? ये शाम को 4 बजे से शुरू होगी। अच्छा जी, ये छप्पन भोग का क्या मतलब है? ऐसा समझ नहीं आई लोगों को कि छप्पन भोग जो लगता है ये आप लोग पंडित आप लोग रखते हैं कि पब्लिक को देते हैं? नहीं, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। छप्पन भोग भगवान को लगता है एक्चुअल में, भगवान को, क्योंकि भगवान तो पूरे ईश्वर है ना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जो भगवान है वो हर चीज को भोग करने के लिए सबसे बड़े ईश्वर है। तो जो भी संसार में भोजन है, जो भी संसार में प्रसाद है, जो भी अन्न है, जिस भी प्रकार के व्यंजन है, वो सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को समर्पित किए जाते हैं और फिर भगवान उनको भोग भगवान को भोग लगा के वो जो है वो लोगों में बांटा जाता है। छप्पन भोग में क्या क्या बनता है सर? छप्पन भोग में बहुत सारी आइटम है हमारे, बहुत सारी जितने भी मिठाई है, छप्पन तो वैसे नाम है लेकिन इसमें कभी कभी 120-150 आइटम भी हो जाते हैं। राधे राधे।